फ्रेंड्स वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह है सिंथेटिक रबर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। इन सब पे शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए। सभी पे मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी बताऊंगा जिससे आप शॉर्ट नोट लिख सकें, उसमें 2, 3, 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन आ सका उसमें नंबर ले सकें। सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड सिंथेटिक रबर क्या होता है। उससे पहले आप अभी हमारे बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, वो आप देखें, उसका फायदा उठाएं एग्जाम में। उस पर डायरेक्ट जाने के लिए आप हमारी स्क्रीन पर टच करें, ऊपर राइट कॉर्नर में आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे वीडियो सेक्शन पहुंच जाएंगे, वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा एक रिवीजन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंसिडर किया, सिर्फ क्वेश्चन को, उन टॉपिक को समझाया किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह याद करना आपको, ठीक है, तो आप वो जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक रबर। एक्चुअली क्या होती है सिंथेटिक रबर, पहले समझते हैं। एक्चुअली जो हमारी नेचुरल रबर रहती है, जो प्रकृति से प्राप्त होती है, उसमें अगर कुछ कंपाउंड्स मतलब कुछ मटेरियल मिला के हम उसको अपने यूज के अकॉर्डिंग उसको बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक रबर, मतलब जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल रबर, है ना। अब इसमें कौन कौन से कंपाउंड मिलाते हैं, जैसे क्या होता है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इधर भी लिखे हुए हैं हिंदी में, जैसे क्या होता है जो हमारे क्या लाइमस्टोन होता है, पेट्रोलियम होता है, कोक होता है ना, सल्फर होता है, एल्कोहल होता है, सॉल्ट होता है, अमोनिया होता है, कोल टार, सिंथेटिक रबर, है ना। इस तरह हमने कहने का मतलब ये इन मटेरियल को अपने अपने यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग मिलाते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन दूसरा बनता है किस टाइप से। हमने सिंथेटिक रबर का सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम टायर में रबर लगाते हैं, टायर बनाते हैं देखने रबर की, उसको सिंथेटिक रबर होती है ना। अभी डिफरेंट टाइप की मेथड होती है और डिफरेंट टाइप की रबड़ होती है। ये नाम लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इनको सिर्फ नाम लिख के आना आपको, क्योंकि मैक्सिमम आपको ये टाइप्स पूछा जाता है और सिंथेटिक रबर होती क्या होती है ये पूछा जाता है, तो आप पढ़ के थ्योरी एक मिनट में याद भी कर सकते हैं और इसको भी क्या कर सकते हैं आप याद कर सकते हैं। तो स्टायरीन रबर होती है, सिलिकॉन रबर होती है, पॉलीयूरेथेन रबर होती है, ब्यूटाइल रबर होती है, नाइट्राइल रबर होती है ना, इस तरह की और भी रबर डिफरेंट, एथिलीन रबर है, इस तरह की डिफरेंट टाइप की रबर होती है, हमें इतनी याद करना है कि हम लिख सकें। तो यह 2 या 3 मिनट का फ्रेंड्स ये आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन लिख सकते हैं, 3 नंबर का आता है समथिंग, तो फ्रेंड इतना याद कर लें। अब हम चलते हैं थर्मोसेटिंग क्या होती है और थर्मोप्लास्टिक क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसका मतलब समझें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब क्या करते हैं हम, जो हमारी हार्ड प्लास्टिक होती है उसको अगर किसी दूसरे रूप में मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, किसी दूसरे रूप में परिवर्तन करना है, तो हम क्या करते हैं उसको हम गर्म करते हैं और किसी पर्टिकुलर सांचा में रखकर उसको हम दबाते हैं, मतलब प्रेशर लगाते हैं, उससे क्या होता है उसमें रासायनिक क्रिया होती है और वो किसी ना किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, हम जिसमें बनाना चाहते हैं। इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो जैसे होते हैं, जैसे टेलीफोन रिसीवर है, इलेक्ट्रिक प्लग्स हैं, रेडियो हैं, टीवी कैबिनेट्स हैं, कैमरा बॉडीज हैं, मोटर, इस तरह के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाते हैं। इसमें जो क्रिया होती है 127 से 170 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम क्या करते हैं इसको हीट करते हैं, फिर धीमे धीमे क्या करते हैं ठंडा करते हैं, कैसे प्रेशर देते हुए। तो फ्रेंड समझ में आएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कुछ नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल वर्ड, मतलब समझे कि आप कि किसी भी प्लास्टिक को जो हार्ड प्लास्टिक होती है अगर किसी दूसरे रूप में हम परिवर्तन करना तो हम उसको हीट करेंगे, मतलब मुलायम करेंगे, मुलायम मतलब होता है सॉफ्ट करना, उसको सॉफ्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे जिस रूप में बदलने चाहते हैं उस सांचे में रखकर उसको प्रेशर से हम क्या करेंगे उसमें दबाएंगे, उससे क्या करेंगे उस टाइप का शेप ले लें। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक समझ गए होंगे फ्रेंड्स, हमने एग्जांपल भी यहां पर दिखाए हुए हैं, टेम्परेचर भी दिखाया, इस तरह थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लें आपको इससे याद भी हो जाए, है ना। इस टाइप की जो हमने बताया ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, इनको ज्यादा गर्म करने पर क्या होता है टूट जाते हैं, तो इसलिए इनको सॉफ्ट किया जाता है, ठीक है, और इसको फिर से जब हम सेट कर लेते हैं तो फिर से बार बार गर्म करने से इनको हम दूसरे रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट होता है थर्मोसेटिंग हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। तो ऊपर हमने पढ़ा था फ्रेंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक सेम कंसेप्ट है लेकिन अंतर समझे आप। इसमें भी हम क्या करते हैं किसी मटेरियल को गर्म करते हैं और उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे 140 से 150 के बीच में समथिंग टेम्परेचर पर, ठीक है, प्रोसीजर वही है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं इसको हम कितने भी बार मतलब बार बार हम इसको गर्म करके दूसरे रूप में ठंडा करके बदल सकते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करके हम पुनः अपनी ओरिजिनल अवस्था में भी ला सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता था। थर्मोसेटिंग में अगर एक बार गर्म करके कन्वर्ट कर लिया तो हम क्या करते थे उसको फिर बार बार गर्म करने पर वो टूट जाता था, उसको यूज करने लायक नहीं रहता था, जबकि हमारे थर्मोप्लास्टिक रहती है उसमें ऐसा यूज कर सकते हैं इसको बार बार। दोनों की डेफिनेशन लगभग समान है, ठीक है। इसमें जो ये ऐसा क्यों हो जाता है, इसमें जो हमारा जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है इसलिए जल्दी टूट जाता है और फिर से हम उससे बार बार कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड इसमें जो एग्जांपल है इसके, जैसे देखेंगे टॉय जो होगा, कॉम्बोस्ट टॉयलेट गुड्स हो गया, इंसुलेशन पाइप ट्रैप्स हो गया, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह की सिंपल सी डेफिनेशन, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो जैसा मैंने बताया उससे आपको समझ में भी आ जाएगा और समझ जाएंगे। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक की दोनों में डिफरेंस देखें और टेम्परेचर भी यहाँ लिखा हो उसको भी लिख के आप थ्योरी को लिखना सीखें और समझना सीखें। तो दोनों में डिफरेंस अगर समझ में आ गया हो फ्रेंड्स, तो तीन टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया, आज तीनों टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता कई बार। अब फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।